महिलाओं से छेड़छाड़, रेप और मॉलेस्टेशन जैसी घटनाओं पर चिंता जताते हुए समाजवादी पार्टी के मुंबई अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने इस पर सख्त कानून बनाने की बात पर जोर दिया है। आज जो एक सिंपोजियम रखा गया था संकल्प ऑर्गेनाइजेशन के तहत, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, शिया, मुसलमानों के कई मसलक के लोग, जो है स्कॉलर्स, प्रिंसिपल, टीचर, बहुत सारे लोग आए थे। सारे लोगों को ये चिंता है कि देश में बढ़ते हुए क्राइम अगेंस्ट वुमेन, कहीं पे मोलेस्टेशन हो रहा है, रेप हो रहा है और ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो इस पर रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो इस पर ये सब ने यही कहा कि भाई कानून बहुत सख्त बनना चाहिए। जिस तरह से अरब कंट्रीज़ की हम मिसाल ले रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये यहाँ इस्लामिक कानून आएगा। ठीक है, इनको बहुत लोगों को भारी पड़ता है ये बात सुन करके, कलेजा बहुत लोगों को फट जाता है, ऐसी बात क्यों करते हो, लेकिन मैं कहता हूँ जो चीज़ें अच्छी है उसे हमें अपनाना चाहिए। अगर आज अरब कंट्रीज़ में रेप मोलेस्टेशन औरतों के साथ नहीं होता, हमारी बहनें आराम से रात को 12 बजे भी कहीं आराम से आ जा सकती हैं, तो उन चीज़ों को देखते हुए हमें कानून यहाँ पर भी वैसे ही बनना चाहिए कि अगर कोई कहीं भी रेप होता है, मोलेस्टेशन औरतों के साथ होता है, तो सख्त सज़ा यानी फांसी तक की सज़ा मिलना चाहिए और एक साल के अंदर इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। दूसरी बात, औरतों को बुला कर पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में जिस तरह से सवालात होते हैं पुलिस वाले या कोर्ट में जिस तरह से झीरे होते हैं उनके साथ, औरतों के साथ में, तो औरत अपमानित होती है। उसमें कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए कि ये बात उसको बार बार सवाल पुलिस वाले करते हैं, ऐसे ऐसे बेहुदा सवालात करते हैं रेप वाली औरतों बेचारी से कि वो बेचारी जवाब नहीं दे पाती है, इस पर एक ज़रा गौर होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अब जो है हमें जब कानून सख्त नहीं है और रेप की वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें कम से कम आज़ादी के नाम पर महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं देना चाहिए कि वो बिगड़े हुए मर्द, बिगड़े हुए लोग उनको कहीं ना कहीं उनके साथ जाती करने पाए। मैं अमेरिका की वेबसाइट पे देख रहा हूँ कि अमेरिका अपने नेशनल्स को जब वीज़ा देता है तो इंडिया आने वाले उन तमाम अमेरिकन्स को कहता है कि भाई, लेडीज़ को कहता है कि भाई जब होटल से निकलना तो अकेली रात को मत जाना, साथ में कोई ना कोई रहना चाहिए। दूसरा ये लगता है कि भाई जो है वहाँ पर हाथ आपका खुला नहीं हो, कपड़ा पूरा हाथ ढका हो और आप जो है स्कर्ट नहीं पर पैंट भी आपका ढका होना चाहिए। अमेरिका कह रहा है कि इससे जो है सेक्सुअल असॉल्ट में कमी होगी, एहतियात होगा कहीं से कहीं, ऐसा नहीं कि इससे सेक्सुअल असॉल्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि घर में औरतों का भी सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, बच्ची का भी हो रहा है, लेकिन उसको कम करने का, उसको रोकने के बहुत सारे तरीके हैं। ये भी तरीका है कि औरत कम कपड़े पहन के बाहर अकेले दूसरे लोगों के साथ ना जाए, रात को अकेला ना निकले, और कानून सख्त हो जाएगा तो उसमें जरूर कमी होगी। हालांकि ऐसे विषय पर बयानबाजी को लेकर अबू आसिम आजमी पहले भी सुर्खियों में आ चुके हैं, पर उनका यह भी मानना है कि उन्होंने कोई गलत नहीं कहा था। कैमरामैन इकबाल शेख के साथ आनंद श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई।